क्वेश्चन नंबर 220 प्रूव दैट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए. सो हियर एलएचएस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए. तो इसमें हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो ये होगा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू, बोथ के न्यूमरेटर सेम है तो ये होगा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस और ये 1 माइनस, इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये होगा 1 स्क्वायर का 1 और कॉस स्क्वायर ए, सो इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर बाय, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए. और अब हम बोथ स्क्वायर को एक साथ कंबाइन करके लिख लेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए होल स्क्वायर. और इसके बाद फ्रैक्शन को टर्म वाइज सेपरेट कर लेंगे, ये होगा 1 बाय साइन ए और ये कॉस ए बाय साइन ए होल स्क्वायर, और 1 बाय साइन ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक ए, और कॉस ए बाय साइन ए का होता है कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस. हेंस प्रूव्ड. अल्टरनेटिव मेथड, इसमें हम आर एच एस से एल एच एस प्रूव करेंगे. ये है कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू, कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए, और कॉट ए का होता है कॉस ए बाय साइन ए होल स्क्वायर इक्वल टू, और फिर इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम होगा साइन ए, क्योंकि बोथ का डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इनके न्यूमरेटर्स में कुछ चेंज नहीं होगा एज इट इज. होल स्क्वायर इक्वल टू, इसके बाद स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेंगे, ये होगा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन, और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. और फिर इसमें हम यूज करेंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो ये इससे कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू एल एच एस. हेंस प्रूव्ड. Thank you.